जिनके अकाल मृत्यु से हम सब लोगों को सदमा लगा और सारे बिहार के इन्हें बल्कि पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं आखिर कारण क्या। और ये कल उनके परिवार के लोगों से भी ये मिलने का काम किए, तो हम चाहेंगे कि शेखर सुमन जी आप लोगों को पूरी बात करें, उसके बाद में हम अपनी बात को रखेंगे, उसके बाद जो आपका सवाल होगा उसका हम जवाब। आप सबको पहले नमस्कार। आप यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार मेरी तरफ से और सब लोगों की तरफ से, और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोग इतने कम वक्त में यहाँ आ सके, जुड़ सके। जैसा कि आप जानते हो, शायद बहुत नहीं भी जानते होंगे, लेकिन सुशांत सिंह की अकस्मात और अस्वाभाविक मृत्यु के बाद एक विवाद खड़ा हुआ है कि इसे इतनी जल्दी आत्महत्या का दर्जा क्यों दिया गया, आत्महत्या क्यों करा गया। और इतनी जल्दबाजी में उनका पोस्टमार्टम क्यों किया गया। अक्सर ऐसा होता है जब ऐसे हालात होते हैं और ऐसी दुर्घटना होती है तो परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस जब वहां पहुंचती है तो पहला बयान ये होना चाहिए कि परिस्थितियों को देखते हुए या जो आंखों को दिखाई दे रहा है ये आत्महत्या प्रतीत होता है, ये एक संदिग्ध मृत्यु दिखाई देती है। इट कुड परहैप्स बी सुसाइड, लेकिन आप प्रमाण के साथ या बगैर प्रमाण के ये नहीं कह सकते कि ये आत्महत्या है। आपको ये कहना चाहिए कि ये जांच का विषय है और जांच के बाद हम बताएंगे कि आत्महत्या है। तो बहरहाल ये स्टेटमेंट दिया गया, लेकिन उसके बाद लगातार बहुत सारे तथ्य उभर के, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस निकल के आए जो लगा कि जो आंखों को दिखाई दे रहा है या जो हमें बताया जा रहा है उसके विपरीत कुछ और। देयर इज मोर देन मीट्स द आई एंड ऑल द एविडेंसेस आर लीडिंग टुवर्ड्स समवेयर एल्स और टू समथिंग एल्स। और कहीं कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं है, साजिश तो नहीं है, कहीं ये हत्या तो नहीं, या कुछ ऐसी कंस्पिरेसी तो नहीं थी कि जहां सुशांत को उन परिस्थितियों की वजह से ऐसे कगार पे लाया गया। इट वाज ब्रॉट टू दैट ब्रिंक एंड दैट प्रेसिपिस कि जहां वो मजबूर हो गए आत्महत्या करने। वजहें बहुत सारी हो सकती, कारण कई हो सकते हैं, और मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने ये मुहिम की शुरुआत की जस्टिस फॉर सुशांत फोरम, तो वहां अचानक रातों रात लाखों लोग जुड़ गए, करोड़ों लोग जुड़ गए उस फोरम में, और वो सब यही कह रहे थे कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। एक बात का बेहद अफसोस ये है कि ऐसे जब कोई सुइसाइड होते हैं जो पहले भी इंडस्ट्री में हो चुके हैं, उसे बहुत सेंसेशनलाइज किया जाता है, तो सनसनीखेज बनाया जाता है, और नेशनल जो टेलीविजन है उसको एक दो दिन तो बहुत आप कह लीजिए कि जोर शोर से दिखाती है, क्योंकि वहां उनके टीआरपी का सवाल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वहां बहुत वो संवेदनहीनता दिखाते हैं, और उस वजह से जहां तक उनको लगता है कि ये चल रहा है और हमें एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, इसको दिखाना चाहिए, और बाद में जब इसकी कोई जरूरत नहीं उसको दरकिनार कर देते हैं, और लोग चाहे कोई भी सवाल उठा रहे हो उस तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसा क्यों होता है कि वो आक्रोश जो सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है और नेशनल टेलीविजन पे क्यों नहीं, क्या उस मीडिया को कोई कंट्रोल कर रहा है, क्या उसको कंट्रोल करने वाला वही दिखाना चाहता है जो वो चाहता है, या जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हुआ वहां कोई तालमेल वगैरह। बहुत सारे अनगिनत सवाल हैं, अनसुलझे सवाल हैं जिनका उत्तर जनता को चाहिए। सुशांत मेरा भाई नहीं है, सुशांत मेरे परिवार का नहीं था, मेरा दोस्त नहीं, तो लोगों ने के मन में ये सवाल उठना चाहिए और मेरे मन में
फिर ये सवाल उठा के फिर मैं क्यों इतना उद्वेलित हुआ, मैं क्यों इतना जज्बाती हूँ। तो मैंने जब इर्द गिर्द देखा तो बहुत सारे लोग जो है जज्बाती हैं, और मेरे पास बहुत सारी वजह है जज्बाती होने। एक तो ये कि वो बिहार का नवयुवक, बिहार की फूक से पैदा, बिहार की मिट्टी से पैदा हुआ, हम वतन, हम एक ही मिट्टी से पैदा हुए, ऐसा लगता है एक ही माँ के बेटे हैं, पर ये खून का रिश्ता नहीं है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगा कि सबसे बड़ी त्रासदी इनके पिता के साथ हुई, सुशांत अपनी माँ को 16 साल की उम्र में खो चुका था, और पिता के साथ ये अचानक ये खबर आना कि उनका बेटा नहीं रहा, उन्होंने सुसाइड कर लिया। आप समझ सकते हैं कि बेटे को खोने का गम कितना हो, वो कितनी बड़ी त्रासदी, कितनी बड़ी ट्रेजेडी रही होगी। और उस ट्रेजेडी को मैं समझ सकता हूँ कि मैंने अपने छोटे बच्चे को खोया था 11 साल की उम्र में एक हार्ट प्रॉब्लम से। तो आप, मैं पूरी तरह से उनके दुख में शामिल हो गया। बिहार का नाम रोशन करने वाला एक नौजवान जिसने सफलता की तमाम सीढ़ियां चढ़ी, जिसने एक बड़ा सक्सेसफुल ट्रांजिशन किया टेलीविजन से, जो कि बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। एक वंस अ टेलीविजन एक्टर ऑलवेज अ टेलीविजन एक्टर, पहले शाहरुख खान थे, और ये दूसरा कोई 30 साल के बाद एक लड़का पैदा हुआ जो बिहार का, तो इस बात की हम सबको बहुत फख्र है, बात पे गर्व है कि ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिहार स्पेशली द यूथ, और अपनी पहली ही फिल्म को 100 करोड़ क्लब मिला है, लेकिन उसको कभी किसी चीज का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, ना रिवॉर्ड मिला, ना अवार्ड मिला, ना रिकग्निशन मिला। और ऐसा बताया गया कि धीरे धीरे उसका असर उस पर ये हो रहा था कि इतना करने के बावजूद ऐसा क्यों लग रहा है कि चीजें जो है मेरे अनुकूल नहीं। और फिर नेपोटिज्म की बात चली, और मैं बार बार इस बात को दोहरा चुका हूं और फिर से एक बार कह रहा हूं, और बहुत साफ साफ कह रहा हूं, और आप लोग इसको बिल्कुल उसी तरह से दिखाइएगा जैसे मैं कह रहा हूं। नेपोटिज्म में कोई बुराई नहीं है, हमारी इंडस्ट्री एक खुली इंडस्ट्री है, फ्री एंटरप्रेन्योरशिप है, जहां जो पैसे लेके आता है उसका हक है वो अपने भाई या बेटे के साथ बनाए, वो इंसान के साथ बनाए, वो हाथी के साथ बनाए, वो कुत्ते के साथ बनाए, ये उसका हक है, उसमें कोई नेपोटिज्म वाली बात नहीं। नेपोटिज्म सरकारी महकमों में होता है, जब जहां किसी का पद छीन के या किसी को सुपरसीड करके लोग जो है सिफारिश से ये पैरवी करके अपने भाई भतीजे को बैठाते हैं, भाई भतीजावाद को नेपोटिज्म कहते हैं। जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में है वो नेपोटिज्म नहीं है, वो गैंगिज्म, एक कार्टेल है, कॉकस है, कोटरी है, क्लीक है, एक क्लैन है, एक सिंडिकेट है, एक माफिया, जो चीजों को कंट्रोल करता है, वही डिसाइड करता है कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, कौन खत्म हो जाएगा। ये इस तरह से खतरनाक है, ये अंडरवर्ल्ड का गैंग नहीं, ये वेस्टेड इंटरेस्ट का गैंग है जो पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल में, अपने कब्जे में रखना चाहता है, ताकि वो अपना उल्लू सीधा कर सके, अपने प्रोडक्शन हाउस को आगे बढ़ा सके, पैसा कमा सके, शोहरत कमा सके, ये टैलेंट को दबोच के उनको कॉन्ट्रैक्ट में बांध के रखता है। बाहर से जो टैलेंट आते हैं पहले तो उनको तवज्जो नहीं दी जाती, और जब वो बढ़ जाते हैं तो इन लोगों को खतरा होता है कि वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा जो हमारा है, तो या तो उसको मिटा दिया जाता है उसी वक्त, या उस क्लिक में शामिल कर लिया जाता है। अगर वो शामिल हो गया, अगर वो चाटुकार बन गया, अगर वो चापलूस बन गया, अगर वो आपके तलवे चाटेगा, अगर यस मैन बनेगा, जी हुजूरी करेगा, हाँ हाँ करेगा, तो आपको उनके टुकड़ों में पलना पड़ेगा। जिस दिन आपने डिफाइंट एक एटीट्यूड दिखाया या बगावत की या ना कहने की जरूरत की, उस दिन वो हश्र उसका वो होगा जो सुशांत के साथ हुआ। आखिरी दिनों में उसकी सारी फिल्में उससे छीन ली गई। और जो तथ्य सामने आए वो ये था कि एक डुप्लीकेट चाबी थी, ये कितनी था, इसमें सच्चाई हकीकत क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन ये सब पब्लिक डोमेन में बातें आ रही हैं, और ये हमारा फर्ज हो जाता है इंसानियत के नाते, और मेरा तो खास तौर पर इंसानियत के नाते, एक फिल्म फ्रेटर्निटी में एक दोस्त गया उसके नाते, बिहारी होने के नाते, कि ये पता करें कि इनमें कितनी सच्चाई है, और सच्चाई के लिए जांच जो है वो आवश्यक है। उसी के तहत मैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा हूँ, जिसपे अभी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
एक डुप्लीकेट चाबी जो थी वो मिसिंग। और मेरा सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुशांत जिस किस्म का लड़का था और जितना जीवट और जितना कर्मठ था और जितना होशियार था और जितना वो जिम्मेदार था, अगर वो इस तरह आत्महत्या करता तो एक सुइसाइड नोट जरूर छोड़ के जाता, कोई भी करता। किस लिए करता है वो? इसलिए क्योंकि जाने वाला ये सोच के जाता है कि मेरे जाने के बाद मेरे जो चाहने वाले हैं या जिनको मैं चाहता हूं, जो मेरे निकटतम लोग हैं, वो शक के दायरे में ना जाए ना फंस जाए। तो ही लीव्स अ सुसाइड नोट व्हेन ही कैटेगोरिकली स्टेट्स दैट आई एम डूइंग दिस आउट ऑफ माय ओन विल एंड वॉलिशन, मैं अपनी मर्जी से अपनी परेशानियों की वजह से ये कर रहा हूं और इसके लिए किसी को दोषी ना ठहराया जाए। देयर वाज नो सुसाइड नोट। अगर सुसाइड नोट होता तो ये ओपन शट केस हो जाता, उसी वक्त ये खत्म हो जाता, हम लोग तो बिलीव भी कर जाते। इन द एब्सेंस ऑफ अ सुसाइड नोट देयर आर मेनी क्वेश्चंस दैट क्रॉप अप। और वो ये कि जो लड़का रात को पार्टी कर रहा, जो सुबह उठ के प्ले स्टेशन पे था, जो एक ग्लास जूस मांगता है आके बैठता है, उसके मन में अचानक ऐसी क्या बात कौंधी, उसने कहा चलो अब उठते हैं सुसाइड कर। ये बात हजम नहीं हो रही। सीसीटीवी कैमरा से छेड़छाड़, उसने कई सिम कार्ड पिछले महीने में करीब 50 सिम कार्ड चेंज किए। क्या वजह थी? सिम कार्ड आदमी क्यों चेंज करता है? सिम कार्ड आदमी तब चेंज करता है जब वो किसी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हो, किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो, जब कोई थ्रेट हो, जब कोई खौफ हो, तो वो सिम कार्ड चेंज किया। फिर जो ऊंचाई बताई जा रही वो इतनी कम है क्योंकि मुंबई में जो छत है इससे ऊपर नहीं होती, वहां उसके ऊपर बिस्तर पे चढ़ के फिर उनके अपने अंका तक जो 6 फीट का था तो जगह ही नहीं बच जाती है कि आप लटके। फिर पहले इस कपड़े से, फिर बाथरोब से, फिर कुर्ते से लटका, वगैरह वगैरह ये बात निकल रही। और जो एक बहुत अहम तथ्य जो निकल के आया है प्राइमरी फेसी, वो ये है कि गले में जो लाल निशान है, अगर वो कुर्ते से किया गया तो मोटा होना चाहिए, वो एक रस्सी का निशान लगता है। और अमूमन बल्कि हर बार जबकि कोई खुदकुशी करता है तो उसमें वी का निशान होना चाहिए क्योंकि रस्सी ऊपर भी करता। देखिए मैं कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मैं सीबीआई के बिहाफ पे बोल रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं जो सवाल सबके दिमाग में आज है। तो वो निशान बिल्कुल सिमेट्रिकल गोल चारों तरफ से बराबर का एक निशान बना जबकि उसको ऊपर की तरफ से होना चाहिए। दूसरी बात, आदमी जब खुदकुशी करता है तो उसका चेहरा जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, विकृत हो जाता है, क्योंकि यू डाई ऑफ एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिएशन से जब हम मरते हैं, चोक करके मरते हैं, आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी, आपकी जीभ बाहर आ जाएगी, दे विल बी फ्रॉथिंग बाय एट द माउथ, सलाइवा निकलेगा, आपकी गर्दन टूटेगी, जहां से कपड़ा लगाया गया है वहां रॉड पंखे का जो ब्लेड है उसमें वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं लगता। और भी बहुत सारी बातें निकल के आई हैं, क्या इसमें फिनेंशियल एंगल था, एक प्रोफेशनल राइवलरी थी, या कोई इमोशनल टर्बुलेंस था। लोगों का कहना है वो बाइपोलर था, यानी कि दो शख्सियत एक शख्सियत के अंदर जब आ जाती है, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं, जहां हर चीज द्विपक्षीय हो जाता है, जहां आदमी को समझ में नहीं आता वो क्या कह रहा है क्या कर रहा है, उसको क्लिनिकल डिप्रेशन का भी नाम दिया जाता है, मैनिक डिप्रेशन का भी नाम दिया जाता है। इस सब के तहत ये क्या हुआ अचानक? और अगर उसने प्रोफेशनल राइवलरी की वजह से ही हुई तो वो लोग कौन थे जिनकी वजह से, दैट इज कॉल्ड अबेटमेंट टू सुसाइड। अगर आपने आत्महत्या भी नहीं किया लेकिन उनके पीछे वो कौन लोग थे जिन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिसकी वजह से वो मजबूर हो गया अपने जान। यही सारे सवालों को लेके मैंने ये मुहिम की शुरुआत की जिसमें लोग जुड़ गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा आश्वासन नहीं आया है कि सीबीआई की जांच होगी। और उसी के तहत मुझे लगा ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं पटना आऊं। मुझे बहुत लोगों ने मना किया कि आप एक अनजान किसी एक्टर के लिए क्यों आ रहे हैं। हमने कहा, हमने बार बार इस बात को एम्फसाइज किया, अंडरलाइन किया कि हमारे इंडस्ट्री एक परिवार, ये उनके साथ हुआ, हमारे साथ भी हो सकता था, किसी के साथ भी हो सकता था, आवाज उठानी जरूरी। लेकिन हैरत की बात है कि ना इंडस्ट्री से आवाज उठ रही है, नेशनल आवाज उठ रही है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। और उसी के तहत मैं यहाँ आया, उनके पिताजी से कल मिला, मेरी इच्छा थी
कि मैं उनके इस गम में शामिल हूं और बताऊं कि हम सब आपके साथ हैं इस गम में और हम सबको इस रास्ते का बहुत दुख है और ये दोबारा न हो मुहिम चलाने के पीछे ये भी एक ख्याल है कि आगे कभी कोई सुशांत की तरह उसको अपनी जिंदगी देने की जरूरत न पड़े। शेखर जी आपने कहा एक सेकंड अभी मैं करती और उस वजह से फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ के मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहिए तो मैंने नीतीश जी से मेरी पहली मुलाकात हो चुकी है, मैंने उनको खबर भी भिजवाई उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी चंचल जी के हवाले से, लेकिन मुझे यही बताया गया कि वो कोविड की वजह से नहीं मिल सकते। कोविड की वजह से वो नहीं मिल सकते लेकिन तेजस्वी जी मिल सकते क्योंकि इनको कोविड का डर नहीं है, डर नीतीश जी को और मुझे भी नहीं, हम लोगों को अपनी शायद जान का खौफ नहीं। बहरहाल मैं इनका बहुत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये कम्प्लीटली एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, ये आप ध्यान में रखें कि इनको जब मैंने मैसेज भेजा और यहाँ आने के बाद मेरी इच्छा थी कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से मिलूँ और वो एक चूंकि हेड ऑफ स्टेट हैं और अगर वो भी जोर देंगे हम सबका साथ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे कल कुछ प्रेस वालों ने पूछा कि आपका क्या कहना है कि वो नहीं आए, मैंने कहा तू ही चीज़ हो जिसकी मर्जी है वो आए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, उनको आना चाहिए था कि वो बिहार का सुपुत्र था, बिहार का नौजवान था, उनके परिवार को अच्छा लगता। मुझे बाद में किसी ने बताया कि तेजस्वी जी वहाँ गए थे कि पिता से मुलाकात की हम वहाँ वक्त गुजारा, तो मैंने इनसे दरख्वास्त की और मुझे इन्होंने तुरंत कहा कि आप आ जाइए और जो भी मैं मदद कर सकता हूँ मैं करूँगा, तो मैं इनका बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है सर कि कौन लोग इसमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कौन लोग इसमें शामिल हैं? काश मैं जान पाता अगर मेरा सवाल यह सुन लीजिए गैंगिज्म, एक सेकंड मैं सुन लिया, उसी का सप्लीमेंट है सवाल, सप्लीमेंट सुन लीजिए एक बार जवाब दे दीजिए। नहीं पहले आप मेरी बात सुनिए फिर मैं आपका जवाब। मैंने गैंगिज्म की जब बात की है, गैंगिज्म का ये मतलब नहीं होता अंडरवर्ल्ड के लोग, गैंगिज्म का मतलब होता है कि कुछ लोग जो मिलके एक कुनबा परस्ती करते हैं। आप वहां रहे 30 साल हो गए एकदम भली भांति जान रहे हैं जी, वो वही लोग नहीं रहते, सुन जाइए सुन जाइए सुन जाइए, मैं बोल सकता हूँ ना बोलिए, मेरे पास प्रमाण नहीं है इसलिए वो बोलना अनफेयर होगा, गलत होगा, मेरे पास प्रमाण नहीं है। हमें मालूम है कि बाहर अंडरवर्ल्ड है लेकिन हमें नहीं मालूम है कौन है, लेकिन अंडरवर्ल्ड है। कौन कौन से लोग हैं जो इस तरह से फिरौती लेते हैं या लोगों को किडनैप करते हैं? आप जान रहे हैं कौन लोग हैं, डर के मारे नहीं बोल रहे। आपको ये सुनना है, आपको यही सुनना है मेरे मुंह से? नहीं आप क्या चाह रहे हैं, आप मेरे मुंह में शब्द क्यों डाल रहे हैं? आपको कैसे लगता है कि मैं डर रहा हूँ? अगर मैं डरता होता बोले कि सुन जाइए, वो तो मैं बोल रहा हूँ वहां तक तो बोल रहा हूँ, यहाँ तक सुन जाइए नहीं, आप उसको सेंसेशनलाइज कर रहे हैं, आप उसको सेंसेशनलाइज मत कीजिए। आपने कहा गैंगिज्म है, अभी बोल रहे हैं कि बिल्कुल कुनबा परस्ती है, क्योंकि मैं नाम इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास प्रमाण नहीं है। आप जिस ध्येय से मैं आया हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या इम्पोर्टेंट गैंगिज्म नहीं है, इम्पोर्टेंट जांच है। इसमें हम चाहेंगे जो बातें कही है, एक और सवाल, एक मिनट एक सेकंड आप बात सुन लीजिए, इन्होंने जो बात कही सामने देख लीजिए, जो है सामने देख लीजिए, हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं से फोकस भी होता है, तो हम इतना कहेंगे कि जो आप सवाल जो पूछ रहे हैं कि कौन है, नाम बताइए, कई बॉलीवुड की अभिनेत्री सार्वजनिक मंच पे पब्लिक डोमेन में नाम बता चुकी है, आप बात सुनिए ना, नाम जानना है जिनको जो ऑलरेडी ओपन आकर के नाम बोला ही है ना उन्होंने, हिमाचल प्रदेश की कंगना रनौत बोल सकती है, बिहार के शेखर, सुन जाइए आप बात को, आप सुन जाइए बात को, आप पहले मेरी बात सुनिए, मैं ये साबित नहीं करने आया हूँ कि वहां क्या, मैं कह रहा हूं मैं ऐसा समझ रहा हूं कि वहां गैंग है, लोग जानते हैं, मैं जांच के लिए आया, मैं गैंग को प्रूव करने के लिए नहीं आया, उनके नाम को उजागर करने बोला एडवर्टाइजमेंट ऑफ सुसाइड, आप सुनिए, वही तो जांच का विषय है, कंपेल किया, वही तो जांच का विषय है, इंडस्ट्री में सब लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं, आप बताइए, अरे मैं कैसे जानू किसने अबेट किया, उसी के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ कि वो जांच होनी चाहिए, कौन है वो लोग,
और मैं जांच पे तवज्जो दे रहा हूँ, मैं गैंग पे तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो भी एक कारण हो सकता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकता है, कोई एक व्यक्ति विशेष हो जो इंडस्ट्री से ना हो, हो सकता है इसका लव एंगल हो सकता है फाइनेंशियल लॉस हो सकता है क्लिनिकल डिप्रेशन हो सकता है इमोशनल टर्बुलेंस हो सकता है सारी वजह हो, तो आप गैंग पे क्यों पड़ गए? वो मेरा विषय है नहीं, वो मेरा विषय नहीं है। एक और सवाल, मेरा विषय है कि जांच होनी चाहिए। आपने कहा कि 30 साल के गैप पे पहले शाहरुख खान गए टीवी से फिल्म में और ये सुशांत दोनों सफल हुए, तो क्या शाहरुख खान चाटुकार है इसलिए आगे बढ़ गए? ये मैंने कहा, अभी आपने कहा ना, आपने कहा कि शाहरुख खान और सुशांत दो आदमी टीवी से फिल्म में जाके सफल हुए, आपने कहा मिलाता हूँ आगे बढ़ा, सुशांत जी टेलीविजन से इतनी मेहनत से टेलीविजन से फिल्मों में जाना बहुत मुश्किल होता है, ये वो दो नाम है, आप कहाँ ले जा रहे हो? शाहरुख का सफलता क्या चटुकार है कि मेरे काम से सफल? ये आप गलत जगह ले जा रहे हैं। इसमें इसके लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमने ये कहा कि आप लोगों की मदद चाहिए कि इसमें जांच हो, आप नहीं हो, आप उसको सेंसेशनलाइज कर रहे हो, आप उसको सेंसेशनलाइज मत कीजिए, कोई नाम नहीं लिया जाएगा क्योंकि कोई किसी के पास कोई प्रमाण नहीं, हम जांच जांच के लिए आए हैं कि जांच होनी चाहिए। लड़का हमारा प्यार, उसकी वजह जो है उसके फैंस उसके चाहने वाले मैं आप उनके घर वाले सब लोग जानना चाहिए और आप लोगों को भी जानना चाहिए, एक क्लोजर ले आइए किस वजह से हुआ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आप बात करेंगे इसको? जी बिल्कुल करेंगे सर। आपने अभी अभी तक सभी ने तो यही बात बोला था कि सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन अभी तक कोई नहीं सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या मैं कह रहा हूँ, सभी लोग कह रहे हैं, तो फिर आप क्या कीजिएगा? एक मिनट सर, सर सर एक मिनट, एक मिनट, पूरी बात पूरी बात, ठीक है, इशू को डाइवर्ट नहीं करते हम लोग, सब लोग यहाँ बैठे, सब लोग बिहार के, और एक नेता विरोधी दल नहीं बल्कि एक नौजवान बिहार के बिहारी होने के नाते हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कारण क्या है, बस। और सवाल जो है वो एविडेंस पे उठ रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इन्होंने कई एग्जांपल्स भी दिए कि ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि वो सुसाइड करने लायक, हम लोग सब लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, हम सब लोग उनके परिवार के लोगों से भी मिले। सुशांत सिंह राजपूत जो थे बेहद एजुकेटेड, बेहद टैलेंटेड, बिहार का नाम उन्होंने रोशन किया है, कुछ दिन पहले वो बिहार भी आए थे, खगड़िया भी आए थे, और जो भी एविडेंस है, चाहे फिंगरप्रिंट की बात हो या हैंगिंग की बात हो, जो डिस्टेंस की बात हो, बाथरोब की गले पे मार्क की बात हो, एक दिन पहले पार्टी करना, फिर जूस पीना, सुबह तक चला, आवाजें जो है पड़ोसी तक सुन रहे थे, ये जो है वहां के लोगों का कहना है। और जितने भी नौजवान हैं या फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं भी हो जो उनके फैंस हैं, दे वांट जस्टिस, बस हम लोग चाहते हैं, हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं उनके परिवार के प्रति, उनके परिवार के लोगों से हमारी भी बात हुई, वो नीरज बबलू जी बिहार में विधायक भी हैं, उनके कजन भी हैं, हमने उनसे जैसा मदद चाहिएगा हम वैसा करें, जो अगर आपकी मांग है, तो हमने पूछा भाई सीबीआई वगैरह का मांग वगैरह होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो वो कहे कि हम लोग मांग करेंगे, और हम लोग यही चाहते कि एक फेयर अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, हालांकि मुंबई पुलिस कर रही है, लेकिन अगर बेहतर और उच्च स्तरीय जांच होती है, अगर न्याय मिलता है और कारण का पता चलता है, तो इसमें बुराई किस बात की? जो भी बातें कही जा रही हैं, हर एंगल जांच का हर एक एंगल से होगा और स्पष्ट हो जाएगा। हम लोग यही चाहते हैं कि आज सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हुआ, दोबारा ऐसा कोई सुशांत सिंह राजपूत के घटना ऐसी जो हुई है वो दोबारा घटना ना हो। और हम बिहारी होने के नाते कहते हैं कि बिहारियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। आपको हम बताएं, हम क्रिकेटर भी रह चुके हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, हमारा बैकग्राउंड आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से बहुत लोगों को डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर बिहार का लोग आगे जाता है, वो हम नहीं कहते, आप लोग सब लोग जानते हैं। अब हम लोगों का यही मांग है, इन्होंने समय लिया था, लेना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया, कोविड 19
का जो भी जिक्र किया उसके वजह से इंडिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही जस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार, ही इज द लीडर ऑफ द बिहार, और जब कोई बिहार का आइकॉन, देश का आइकॉन मैं कहता हूं सुशांत सिंह थे, अगर कोई आइकॉन इतना बड़ा नाम, इतना स्ट्रगल करके अगर इस तरह की घटना हुई है उसके साथ, तो बिहार का नेता को, बिहार के मुख्यमंत्री को कम से कम संवेदना और प्रकट उनके परिजनों से मिलकर के और उनका सहारा बनना चाहिए। अभी भी हमने आपको देखा होगा कि हम लोगों ने एक चिट्ठी लिखी है, एक तो हमारा मांग है कि भाई फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, उच्च स्तरीय सीबीआई जांच हो, एक वे है। दूसरा हमारा जो मांग है, जो चिट्ठी हम लोगों ने लिखी है कि राजगीर में जो फिल्म सिटी जो बन रहा है, क्योंकि उनका जिस प्रकार से स्ट्रगल करके एक छोटे से शहर का होकर के एक अपना मुकाम हर एक मैदान पे जाना, सफल होना, तो हमको लगता है कि उनकी याद में जो फिल्म सिटी राजगीर में बन रही है वो सुशांत सिंह राजपूत जी के नाम पे नामकरण किया था। और दिलही इच्छा हमारी ये भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके परिजनों से जाकर के मिले और ये आश्वासन दे कि हर जांच में हर संभव मदद जो है वो करेंगे, वो महाराष्ट्र सरकार से भी बात करेंगे कि इसका सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन दिया जाए, और साथ ही साथ ये भी आश्वासन उनके परिवार को दे कि जो राजगीर में फिल्म सिटी जो बन रहा है उसका नामकरण सुशांत सिंह राजपूत जी के नाम पे। देखिए, जो चुप रहना चाहते हैं चुप रहे, जो आना चाहते हैं आए। ये मैं अपनी जज्बाती वजहों की वजह से आया, मुझे ऐसा लगा कि इंडस्ट्री में एक बिहारी होने के नाते हमेशा ये होता है कि जब एक बिहारी अकेला पड़ जाता है उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। मुझे ऐसा लगा ये आवाज उठाने न सिर्फ नौजवान लोग, न सिर्फ फिल्म के लोग, बल्कि सब लोग ये न्याय चाह रहे। मैं आप ही लोग से एक सवाल करता हूँ, क्या आप लोग चाहते हैं कि उसकी सीबीआई इनका इंक्वायरी हो या नहीं? हाँ या ना, हाँ या ना, जो क्या मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या नहीं? आपने ट्विटर पे भी हैशटैग बनाया जस्टिस को सुशांत सिंह की कोड़ा, तो उसका क्या लगता है उसे जस्टिस मिल जाएगा? क्योंकि अभी तक जितने एविडेंस है वो सफिशियंट है सीबीआई जांच के लिए, तो सीबीआई जांच हो क्यों नहीं रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ, इसी के लिए तो मतलब अगर बिहारी को आगे बढ़ना है तो इंडस्ट्री में कहीं भी उन्हें चाटना पड़ेगा जी? मतलब अगर बिहारी को आगे बढ़ना है तो उन्हें हर चीज में किसी का फेवर लेना पड़ेगा? नहीं, उसी के खिलाफ तो ये लड़ाई है, उसी के खिलाफ ये मुहिम है कि ऐसी जमीन तैयार की जाए कि जहाँ सबको अपना हक मिले, जहाँ इस तरह की मुर्दा परस्ती ना हो, जहाँ इस तरह दबाया प्रताड़ित ना किया जाए, जहाँ अकल से लोग और दिल से लोग जो है वो इतने अलील ना हो, इतने बीमार ना हो, इतने मुफलिस ना हो, सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए ताकि जो होनहार है, जिसके पास हुनर है, वो आगे बढ़ सके। अक्सर मैं देखिए एक उसी का जवाब आ रहा हूँ, जब सुशांत सिंह को 100 करोड़ क्लब में जगह मिली, मैं पूछता हूँ उसको अवार्ड क्यों नहीं दिया गया, वो रिकग्निशन क्यों नहीं दी गई? जो एक मीडियोकर लोगों को आप देखिएगा, जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं या जो आए, उनको संदीप जी आप उसके फ्रेंड थे, ये बताइए संदीप जी उनके फ्रेंड थे, जिस तरीके से आप लोगों ने कहा कि शाहरुख खान के बाद एक सुशांत जी का ट्रांजिशन बहुत सक्सेसफुल रहा फ्रॉम टेलीविजन टू बिग स्क्रीन, ये आखिर व्हाट वाज द रीजन, क्या ऐसा रीजन हो सकता है कि उस कंपेयर टू सुसाइड या कुछ ऐसा? वही तो जानना चाह रहे हैं, इसके लिए तो जांच की मांग कर रहे हैं। अगर हमें पता होता तो इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी। हम ये कह रहे हैं उसके साथ बड़ी नाइंसाफी होगी अगर हम कारण नहीं जान पाए। हम नहीं कह रहे कि उसकी हत्या हो, हम नहीं चाहते, हो सकता चलिए प्लेन एंड सिंपल सुसाइड है, पर चूंकि जो तथ्य बाहर निकल गया है ऐसा लग रहा है, तो उसका कारण बता के उस केस को एक क्लोजर दे ताकि जितने लोग हैं जो सवाल उनके दिमाग में गोंद रहे हैं उनको एक सही जवाब मिल जाए। बस आने वाला तो दोबारा आने वाला नहीं, सरकार से क्या मदद चाहिए इस मुहिम में लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए? सीबीआई जांच की इंक्वायरी हो, सिर्फ यही बुरा करा रहे हैं। और क्या चाहेंगे, और कुछ नहीं चाहते, बस यही चाहते। छोटा सवाल है, क्या इस बार भी आप चुनाव में
बिहार में घूमेंगे नॉन पॉलिटिकल नहीं ये सब मैंने कहा ये नॉन पॉलिटिकल मैं एक मकसद से आया हूँ और बस यही रहूंगा और मैं कल चला जा रहा हूँ फिर मैं वापस नहीं आने वाला हूँ नहीं अगर जरूरत नहीं है मैं इसी मकसद से आया हूँ तो फिर कहने की और कोई वजह नहीं मैं ये जानना चाहता था कि मैं जो कर रहा हूँ एक बिहार के सुपुत्र होने के नाते में जो कर रहा हूँ क्या वो सही नहीं है क्या आप लोग नहीं चाहते कि उसको न्याय मिले सही है सर हमें ये जानना चाहता हूँ सिर्फ कि महाराष्ट्र में सरकार कांग्रेस की भी है अरे किसी की भी सरकार हो यार जस्टिस होना सरकार तो वो उठाएगी ना सर सीबीआई को तो वो देगी ना सर भाई हर जगह से आवाज उठेगी तभी तो मेरे कहने से तो वो नहीं मान लेंगे पर उनको लगेगा जब सब लोग कह रहे हैं तो बात में दम है और नहीं होनी चाहिए अकेला चना भाड़ नहीं होगा